मम्मी मम्मी, आप जब प्याज काट रही होती है आपको पापा याद आ रहे होते हैं ना? क्यों मम्मी, आपकी आंखों से पानी तो निकल रहा है ना। तो तुझे कौन याद आ रहा है? मम्मी मुझे तो प्याज से मिर्चें लग रही है ना। तो मेरी आंखें पत्थर की हैं क्या है? मेरी आंखों में इससे मिर्चें नहीं लगेंगी। मम्मी आप तो इतने अरसे से प्याज और गंदे गंदे सारी सब्जियां काट रही है, आपको तब तक इम्यून हो चुके होना चाहिए था। हट परे, वो प्याज पकड़ा ले। मम्मी मम्मी छुरी तो पीछे करें, इससे तो वाकई मेरी आंख पत्थर की लगवानी पड़ जाएगी। प्याज पकड़ा मुझे। मम्मी हाँ, ये देखिए क्या लिखा है। लिखा है, एक खूबसूरत खूबरू नौजवान जो कि आला तालीम याफ्ता हो, नेक चलन हो, खानदानी हो, जज्बाती हो, घर दामाद बनने पे तैयार हो, का एक ग्रीन कार्ड होल्डर लड़की के लिए रिश्ता दरकार है, जिसकी उम्र फकत 37 साल है, साथ अमेरिका ले जाएगी और करोड़पति है। मम्मी मैं भी अप्लाई कर दूं? उन्होंने लिखा है कि मुतलका है। चीकू बेटे, जिस वक्त अकल बट रही थी तो तेरे हिस्से की अकल अल्लाह ने कहाँ छुपा दी थी? अरे ये किसी यूनिवर्सिटी का इश्तहार है जो मुझे पढ़ा रहा है। चुप कर। थैंक्स अ लॉट, तुम इतना कुछ क्यों ले आई हो? ऐश, हमने तुम्हें इतना मिस किया, तुम कितनी अच्छी हो। यू सो स्वीट, तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें लेकर आई हो। बहुत अच्छा किया जो तुम इस्लामाबाद से इतनी जल्दी आ गई, हम इतने बोर हो गए थे। आई एम सो लकी, मेरी आप लोगों जैसी फ्रेंड्स हैं। हाँ, सॉर्ट ऑफ। ओ ऐश, आईश शैडोज इतने अच्छे हैं, मैं इतने अरसे से पॉकेट मनी जमा करी थी इन्हें खरीदने के लिए। मुन्नी मैडम, अब इतनी भी बिछने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम। लिक्विड शॉप देखो, चलो चल के ट्राई करते हैं। हाँ हाँ, मैं तो लाई अपनी बहनों के लिए थी। आए हाय, अब तुम हमें दूसरों की इस्तेमाल शुदा चीजें दोगी? फेंको उसको। मिशीज बेचारी का मतलब है कि हम उसकी बहनों की तरह हैं। खैर मुन्नी, अब इतनी भी लूट नहीं पड़ी हुई कि मैं इसकी बहन लगूं। अच्छा चले, हम इस लिक्विड सोप को ट्राई करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। मुन्नी और जोर जोर से रगड़ो, ध्यान से कहीं आंख में ना चला जाए। हाँ हाँ, ब्यूटी के लिए तो तुम सुली भी टंग सकती हो। मेरी नर्म मुलायम और खूबसूरत जिल्द का राज बेस्ट। और मेरी भी खूबसूरत जिल्द का, इससे बेहतर मेरी जिल्द को कौन समझे। चिकू जी। मम्मी सुनिए सर जी, मैं 35 साल की तो नहीं लगती ना? नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। 10-12 साल पहले आप लगती थी 35 साल की। क्या इसका फोन है? हेलो हेलो हेलो।
कर मुझे दे। हेलो हेलो, हाँ तुफैल लाला मूसा से आ गई बहन की याद। हाँ अच्छा आज ही लो कट भी गया, दिल करता घुमा के मारूं इसको दीवार के साथ। किसको मम्मी? टेलीफोन को। अच्छा। ये पकड़। क्या कह रहे थे मामू मम्मी? बेटा तेरे कजन्स है ना, अल्लाह वसाया और हदायत, वो आ जा रहे हैं हमारे घर। आ रहे आज? हाँ। तो क्यों, क्या बात, तकलीफ क्या है? कजन्स है वो तुम्हारे, मामू के बेटे हैं, जब उनका जी चाहे यहाँ आ सकते हैं वो। रिंगा रिंगा रोज़ेस, अ पॉकेट फुल ऑफ पोज़ेस, अ टिश्यू अ टिश्यू, वी ऑल फॉल डाउन। अस्सलाम वालेकुम चिकू भाई। भूख कितनी आ रही है आपसे, क्या लगाया हुआ है अपने बालों में? घी लगाया हुआ है, वो भी देसी, तुम लोगों के लिए भी लेके आया हूँ। तो क्या हम भी बालों में लगाएंगे देसी घी? मेरे वालों चौन आए से। गुड नाइट चीकू भाई। क्या होता है ये गुड नाइट, क्या होता है? इस वक्त सूरज निकला हुआ है और कम से कम सूरज सवा नेजे पे है, नाइट कहाँ से आ गई? हिदायतुल्ला, अंग्रेजी में तो यही सलाम होता है। ओ ये सुबैदा है या प्रवीण? ओए आपा जी के बालों को क्या हुआ है? ओ लगता है करंट लगा हुआ है, शुक्र है अपने गांव में लोड शेडिंग रहती है। ये मेरी दूसरी वाली कजन है, इस्लामाबाद से आई है, जुबैदा प्रवीण नहीं है ये। अच्छा अच्छा, अंग्रेज है ना? मैंने वो आजू वाटर डू जी, मतलब क्या हाल है आपा जी? एक्सक्यूज मी, चले अंदर चलते हैं। चले आश, चले चले चले। आपके भाई के बच्चे। हाँ बेटा तू ये थूथनी चुप। चीकू ये भी आपके कजन्स हैं? जी ये मेरे मामू और मुन्नी मिशी के चचा तुफैल के बेटे हैं। ये कुछ अजीबोगरीब सी चीजें नहीं है? कुछ सख्त सैर लगते हैं ये हमें। हाँ पुत्र अब बताओ, तुफैल भाई ठीक है ना? अम्मा ठीक है, पिंड में सारी खैर खरीयत है? हाँ पप्पी बड़ा करम है। अच्छा ये बताओ खैर से तो आए हो ना, कोई मसला तो नहीं है? बस पप्पो दिल में गुबार से उठो और हम लोग आ गए। दिल में गुबार उठा? पुत्र कहीं दिल की शरियानों का मसला ना हो, आजकल यहाँ पर दिल के बहुत मसाइल बढ़ गए हैं। दिल में गुबार उठा तो पुत्र डॉक्टर को नहीं दिखाया? पुप्पो रोज के 400 डंड लगाते हैं हम। 5 शेर दूध तो मैं एक टाइम में पीता हूँ। गांव का खालस 5 शेर दूध पीने से पता नहीं तुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना बढ़ जाता है और हालत ऐसी हो जाती है फिर। गॉड दे आर सो वियर्ड। ऑफ कोर्स। चीकू बेटा जाके मुन्नी और मिशी को बता जाके कि कौन आया है। अच्छा मम्मी। बैठो तुम लोग, मैं भी आती हूँ अभी। हाय मुन्नी बड़ी गंदी है तुम, शैम्पू तो बदल लो अपना। मिशी बदलूंगी ना, जाके ले आऊंगी। चीकू कोई तमीज होती है किसी कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं? हाँ कोई प्राइवेसी भी कोई चीज होती है। वैसे कोई इतनी अच्छी प्राइवेसी नहीं है। क्यों? कीड़े मकोड़े पालना कोई प्राइवेसी होती है मिशी? शट अप चीकू। अच्छा आज सारा मूड खराब कर दिया, मैं तो तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज लेके आया था। कहाँ है? काफी बड़ा है, बल्कि दो है। चीकू अगर कोई सड़ा सा सरप्राइज हुआ ना तो यकीन जानो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी और मैं तुम्हारा सर खोल दूंगी। मिशी मुन्नी तुम लोग मुझे इस तरह का समझते हो? मैं तुम लोगों के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो तुम दोनों के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। तुम्हारी इस मनहूस फिल्मी बातें मैं तुम्हारी जान ले भी सकती हूं। नहीं मिश्री चीकू कितना अच्छा इंसान है ना, देखो मैं उसकी बात सुन कितना मूव हो गई हूं। तुम तो नहीं लगता तुम्हारा दिमाग मूव हो गया है। मिश्री नहीं ना। अच्छा चीकू क्या सरप्राइज है, ज्यादा सर पे ना चढ़ो, जल्दी से बताओ। अच्छा फिर मेरी एक शर्त है। क्या? तुम दोनों को मेरे साथ नीचे तक आंखों पे पट्टी बांध के चलना होगा।
मुन्नी मिश्री सरप्राइज। ये इन्हें क्या दौरा पड़ा? ये इनको क्या हो गया? पुप्पी कह तो रही है दौरे पड़ते हैं ना। मुन्नी मुझे तो लगता है हम एक बेहाना ख्वाब देख रहे हैं। नहीं मिशी ये ख्वाब नहीं है। मुन्नी मुझे जोर से थप्पड़ मारो ताकि मुझे यकीन हो जाए कि ये एक तल्ख हकीकत है। मुन्नी ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारे कजन आए हैं ना सलाम ना दुआ, अजीब बदतमीजी है ये। सलाम ज़ुबैदा। एक्सक्यूज मी माय नेम इज मिशी। सलाम पापा। वालेकुम सलाम। ये क्या चीजें हैं? ये हमारे कजन है गलती से। ये जो मूछों वाला बैठा हुआ है ना इसका नाम अल्लाह वसाया है और ये मिशी के इंतजार में गांव में बैठे हुए ताकि वो आए और उसे जहर दे के मार दे। तो भाई इनके पास से कितनी बू आ रही है, बालों में देसी घी लगाए हुए। तुम्हारी सोच है कि ये गांव में और क्या क्या करते हैं? बैठे हैं आपा। नो थैंक्स। बैठ जाओ मुन्नी मिशी। चिकू तुम्हारी तो मैं जड़ों में बैठूंगी। अब खड़े खड़े क्या मेरा मुंह देख रही हो? उठो चलो मेरे साथ किचन में चल के खाना बनवाओ। नहीं नहीं बच्चों खाओ खाओ, तुम्हारा अपना घर है। जी नहीं मम्मी, ये हमारा घर है। तेरा ही घर है। ये लोग बिल्कुल अनपढ़ है ना। हाँ कभी स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। मगर मिशी ये अल्लाह वसाया ने तो क्लास टू तक तुम्हारे साथ पढ़ा था ना। मुन्नी मैडम आप ना कभी चांस मिस करना ये बताने का कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। आप लोग गाँव में करते क्या रहते हैं? और बस चिकू भाई यार वही बिजी करते हैं, वर्जिश करते हैं और मौज में ला। आप तो हमारे घर आते ही नहीं है अब। और परवीन आप तो सब कुछ भूल ही गई हैं। एक्सक्यूज मी मुन्नी नॉट परवीन एनीमोर। आप लोगों के पास तो काफी पेट्स होंगे ना। और मिच्छी बीबी तुम्हारी कुकड़ी अभी तक जिंदा है। हैकल एंड जैकल। नहीं अपा उनका नाम तो आपने गुड्डी और नैना रखा था। हाँ वही। आप लोग यहाँ पे कब तक रहेंगे? बस चिकू भाई यार शाम को फिर वापस चले जाएंगे। तुझे शर्म नहीं आई उनसे ये पूछते हुए? बेटा तुम लोगों का अपना घर है, जब तक तुम्हारा जी चाहे रहो तुम खाओ खाओ। शाबाश। वैसे क्या वो दोनों मुसीबत एकदम गांव से आके टपक पड़े हैं ना, मतलब अजीब तरीन दुनिया के। इतने रिटार्ड हैं तोपा। और क्या, इतने एब्नॉर्मल लोग मैंने आज तक नहीं देखे। एक तो इतना खाते हैं और ऊपर करके खराटे मार मार के सोते हैं। इतनी मुश्किल से सुलाए उन दोनों को। इट्स सो अनबिलीवेबल कि वो आप लोगों को क्या बन गए। खैर अब इतनी भी अंग्रेज ना बनो, होते लोगों के इस तरह के एब्नॉर्मल रिश्तेदार। हाँ तो और क्या, तो नॉर्मल है। मगर मुन्नी मिशी तुम क्यों चड़ेलों की तरह उनके बारे में बातें कर रही हो? तुम ना ज्यादा अब्बा बनो, कांच खरीदने दो हमें। और क्या पप्पू ने कहा था, जल्दी वापस आना। और वो तो कह रही थी कि हम दोनों को भी साथ ले जाओ। हाँ हाँ उन्हें साथ ले जाते और गली के आवारा कुत्ते हमारे पीछे पड़ जाते उन्हें देख के। मिशी आप अपने रिलेटिव्स में शादी करेंगी? क्या मतलब है? मेरा मतलब है गाँव में। जी नहीं हम गाँव कभी वापस नहीं जाएंगे। और क्या, कोई जरूरत नहीं पड़ी गाँव वापस जाने की। ये भी देख मेरे ख्वाबों का शहजादा तो बहुत हैंडसम और बहुत ज्यादा अमीर होगा, बहुत अमीर। मगर मिशी मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। तो चले चीकू भैया, तो बहुत ज्यादा ले लिया। चीकू भैया चले। हाँ चले। दीदी जाना रहा। थैंक यू। वो आप तो गांव को भूल ही गई। नहीं बेटे इन बच्चियों को छोड़ के मैं कैसे गांव निकलूं? अब आऊंगी वैसे, बड़ा जी करता है। तारीको कहाँ रह गए थे तुम अब तक? अरे इतनी देर लगा दी। ये लोग इतनी जल्दी सो के भी उठ गए मम्मी। चीकू वो सोए हुए थे, बहुत नहीं हो गए थे। ओ यार चीकू भाई वो तुम्हारा गधा बड़ा अच्छा है।
हाँ आप अपने साथ गांव ले जाएं बेशक। हाँ हाँ साथ ले जाएं, मैं तो ईंटों पे भी सो जाता हूँ ना। आंटी गांव में मैट्रेस भी नहीं मिलते। अप्पा जी वहाँ तो मंजियाँ होती हैं। बेटे गांव की रहतल की अपनी एक सादगी होती है। फुप्पो दूसरे अल्फाज में साफ कहना पेंडूपन होता है। ओ नहीं नहीं मिची, तुम्हारी जड़ें भी तो वहीं से हैं। मिशी कोई पौधे तो उसकी जड़ें वहाँ क्यों होंगी? बच्चों भाई आए हुए हैं गांव से, इनको साथ ले जाओ शहर, कोई सैर वैर कराओ इनको। मम्मी इन्हें? हाँ हाँ ले जाओ सबको। पप्पो जी आंटी ठीक है, मुन्नी मिशी बात सुनो। दीदी ना ना ना। यस। मुझे तो डर लग रहा है कोई देख ना ले। मैं भी उस वक्त से यही सोच रही हूँ। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तो फिर खाना क्या है? हाँ तो मिस्टर अलावसाया आप क्या खाना पसंद करेंगे? चिकन चाउमिन, चिकन स्पगेटी, लज़ानिया और चिकन चिली विद सॉस। चिकन विद लाइम और डीप फ्राइड क्रंची चिकन विद हॉट सॉस। चिकन पाइनएप्पल, चिकन मशरूम, चिकन शाशलिक, चिकन फ्राइड राइस, व्हाट? Or for a starter, you would like to have something like, say, chili garlic bread, or French fries, or fried beans, or some mushrooms, or something like, say, beef steak with a lot of pepper. Tissue paper, chikku bhai. Mera khayal hai, yehi theek rahega. Jo aapka dil karta hai, wohi manga le. Haan ji. Chikku, let me place the order. Waiter. एक आप ले आए नंबर 26, नंबर 17, नंबर 15, नंबर 39, नंबर 76, नंबर 007, नंबर 081, नंबर 100. आई थिंक दैट विल बी ऑल एंड प्लीज बी क्विक। अप्पा पानी देना। बहुत ही मजे का खाना था, बहुत मजा आया। मैं जरा आती हूँ, मुझे एक काम है। मुझे भी जरा एक काम है, मैं भी आती हूँ। मुझे भी एक काम है। मैं जरा देख के आता हूँ कि ये तीनों गई किधर है। अभी आ रहा हूँ, आप लोग बैठे रहिए। ये लीजिए सर बिल आपका। वो ये क्या है सर बिल? और हम इसका क्या करें, हमने तो कल बिल जमा करा दिया था। सर ये खाने का बिल है। खाने का? हाँ जी। ये वही लोग देंगे आके जो यहाँ से चले गए हैं अभी। वो लोग तो चले गए हैं सर, बिल आपने देना है। क्या? बहुत मजा आया। वाकई इट वाज सो एक्साइटिंग। बहुत ही मजा आया। मिशी ऐसे मुझे लगता है कि हमने कुछ ज्यादा बदतमीजी कर दी है। चीकू वैसे मुझे ये लगता है कि तुम हमारे साथ हमारे हर प्लान में शामिल होते हैं, बाद में तुम्हें गिल्ट ट्रिप्स होने लग जाते हैं। हमें ना कॉन्शियस करो। आई हेट यू। चलो चल यार। देते ये शहर के लोग तो यार बड़े बेवफा, बड़े संग दिल होते हैं यार। चल पिंड वापस चले। हाँ पायन, पर जाएंगे कैसे? बहुत मायूस किया है तुम लोगों ने मुझे, बहुत बुरी बात है। हर इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एक अना होती है। तुम लोगों ने उन दोनों की अना को ठेस पहुंचाई है। देहाती होना, पेंडू होना क्या कोई जुर्म है? वो लोग तो बहुत सादे, बहुत प्यारे और बहुत सच्चे इंसान होते हैं। मुझे सख्त तकलीफ पहुंची है तुम्हारी इस हरकत से। सॉरी मम्मी।